आज हम सीए फाइनल जीएसटी सीए फाइनल जीएसटी की हम क्लास पूरी कर रहे हैं। हम इसमें हम पूरा प्रैक्टिकल और विद थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और प्लस आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आपको कहीं भी कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये जीएसटी है क्या? तो जीएसटी जो है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको हम कहते हैं जीनियस ऑफ जीएसटी। इट हैज नाउ बीन मोर देन डेडिकेटेड सिंस द आइडिया ऑफ द नेशनल नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज मूटेड बाई द केलकर टास्क फोर्स। एक जो केलकर टास्क फोर्स समिति थी उसको एक आइडिया आया कि आपको आपको नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाना चाहिए, और स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करा इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑफ द नेशनल बेसिस पर। और उन्होंने कहा हमें जो टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि देखो पहले क्या था हमारे पास, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था वो स्टेट वाइज था, तो उसे हमने एक वन नेशनल नेशनल बेसिस पर हमने गुड्स और सर्विस पर टैक्स लगाने के लिए एक ये हमारी केलकर टास्क फोर्स समिति जो थी ना उसने बताया। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना हमें तो हमें याद रखना है, हमें केल किसने रिकमेंड किया था? केलकर टास्क फोर्स ने किया था, है ना? ठीक है, उसके बाद कि हमें वन नेशन वन टैक्स बनाना है। सब्सिक्वेंटली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री पी चिदम्बरम, वाइल प्रेजेंटिंग द सेंट्रल बजट जब 2006 और 2007 में, तो अनाउंस करा जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस 1 अप्रैल 2010। हम 1 अप्रैल को हम जीएसटी इंट्रोड्यूस करेंगे। जीएसटी मिस सेवरल डेडलाइन एंड द कंटिन्यू द सराउंड बाई द क्लाउड ऑफ द अनसर्टेनिटी रही उसके ऊपर। इसके बाद जब टॉक जीएसटी गेन मूवमेंट्स ईयर 2007, जब एनडीए गवर्नमेंट टेबल 122 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बिल को अमेंड किया गया जीएसटी इन द पार्लियामेंट। उसके बाद जीएसटी को पार्लियामेंट अब इसकी समरी बनते हैं हम जीएसटी के आखिर प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले 2006 में ये अनाउंसमेंट किया कि जीएसटी फर्स्ट टाइम 2006 में अनाउंस किया गया जीएसटी। ठीक है, फिर 2000 में फर्स्ट डिस्कशन हुआ 2009 में। ठीक है, 2011 में 112 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया कि इंट्रोड्यूस विल इंट्रोड्यूस किया गया। 2000 में 122 को अमेंड किया गया, और 14 अगस्त 101 फर्स्ट को अमेंड किया गया। और जीएसटी काउंसलिंग कब बनाई गई ये याद रखना ज़रूरी है कि जीएसटी काउंसलिंग 2017 में बनाई गई। सीजीएसटी एचजीएसटी ये जो एक्ट पास किया गया वो अप्रैल 2017 में पास किया गया, और जो सबसे पहले हमें याद रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वो है सितंबर 2016 को फर्स्ट जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग हुई। और लेकिन ऑल स्टेट एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर पास देयर एचजीएसटी एक्ट जो पास किया गया वो 30 जून को किया गया, और 1 जुलाई को हमारा फर्स्ट जुलाई को जीएसटी लॉन्च हुआ, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। और लेकिन जम्मू कश्मीर को ये 8 जुलाई 2017 को पास लॉन्च हुआ। तो इस प्रकार हमारी ये जीएसटी की जर्नी रही, ये हमारी जीएसटी की जर्नी रही। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी
देखो कॉन्सेप्ट कैसा, व्हाट इज द जीएसटी, जीएसटी है क्या? जीएसटी ऐसा है, देखो बिफोर प्रोसीड विद द इंडियन जीएसटी फर्स्ट अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो जीएसटी क्या है, जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है, लेवी ऑन द मैन्युफैक्चर, जो कि देखो वैल्यू एडेड टैक्स है, सेल करते हैं हम और कंजम्पशन करते हैं गुड्स का एंड सर्विस का। देखो जैसे पहले हमारा जो वेट था, वेट भी हमारा क्या था, वैल्यू एडेड था, सिर्फ जो वैल्यू एडिशन होता है, जो वैल्यू एडिशन होता है सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगता है, जैसे हमारा वेट में लगता था, लेकिन वेट लगता था, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी ऑफर द कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ द टैक्स क्रेडिट, कंटिन्यूस चेन टैक्स का क्रेडिट मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि देखो मैन्युफैक्चर, फिर मैन्युफैक्चर से चला ये डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर ये जाता है ट्रेडर को, फिर ये ट्रेडर को जाता है, फिर ये ट्रेडर के बाद जाता है कंज्यूमर को। तो इस पे क्या है, देखो पहली चीज़ तो हमें याद रखना है कि जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। दूसरा हमें याद रखना है कि जीएसटी कंटिन्यूस चेन, मतलब हमें हर उस पर टैक्स पर इनपुट मिलता रहता है। देखो मैन्युफैक्चर को आईटीसी तो मिलेगा नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि इसने आईटीसी लगा के चार्ज करा है, फिर ट्रेडर को आईटीसी, लेकिन जो कंज्यूम करता है, मतलब कंज्यूमर, कंज्यूमर को चेन का क्रेडिट नहीं मिलता है, बाकी हर स्टेज पर चेन का क्रेडिट मिलता है पॉइंट टू पॉइंट। एग्जाम्पल देखो यहाँ लिखा भी है, सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट एट रिटेलर कंज्यूमर लेवल देयर टैक्स ओनली वैल्यू एडेड ईच स्टेज इन सप्लाई। देखो वर्डन ऑन फाइनली कंज्यूमर, देखो वर्डन जो होता है ना, टैक्स का वर्डन फाइनली किसे पड़ता है, कंज्यूमर, जो उसको कंज्यूम करता है, क्योंकि देखो हमें हर स्टेज पर तो आईटीसी मिल जाता है, लेकिन कंज्यूमर को आईटीसी नहीं मिलता है, तो अल्टीमेटली बर्डन किस पे पड़ता है, कंज्यूमर पड़ता है। उसका नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, देखो हम पढ़ते हैं कि सिंस ओनली द वैल्यू एडेड इन ईच स्टेज इज टैक्स अंडर जीएसटी, देखो सिंस ओनली जो वैल्यू एडिशन करते हैं ईच स्टेज के ऊपर, सिर्फ उसके ऊपर टैक्स लगता है जीएसटी, देर इज नो टैक्स ऑन टैक्स एंड कैस्केडिंग ऑफ द टैक्स अंडर जीएसटी सिस्टम, जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड्स एंड सर्विस टू टू आर टैक्स आर सिंगल रेट। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम हमारे पहले व्यवस्था वेट के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी में टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, सिर्फ जो वैल्यू एडिशन होता है, सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। अब नीड फॉर जीएसटी इंडिया, हमें जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो जीएसटी, देखो डिफिशियंसी इन द एग्जिटिंग वैल्यू एडिशन टैक्स, जो हमारा वेट था ना, वेट्स में हमारे क्या थी, वेट में हमें कमियां थी, वेट में हमारे कमियां थी, क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी, और उनको ख़त्म करने के लिए लेट हम लाए क्योर इल ऑफ एग्जिटिंग ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रीनेम, डिफिशियंसी इन द वैल्यू एडिड टैक्सेशन सिस्टम, अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स मैन्युफैक्चर एक्साइजेबल गुड्स चार्ज एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, है ना, वेट डीलर इज सब्सिक्यूट द इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, वेट चार्ज करते थे वो, ठीक है। उसके बाद देखो वैल्यू कंपनी बेसिक वैल्यू, देखो पहले क्या होता था, बेसिक वैल्यू पर, फिर उसके बाद लगता था एक्सरसाइज, उसके बाद फिर प्रॉफिट डीलर का लगाते थे वो, ये स्प्रेड ऑफ द सर्विस टैक्स पेबल सर्विस अदर देन नेगेटिव लिस्ट ऑफ अदरवाइज, देखो जीएसटी क्यूर फॉर इल्स ऑफ द एग्जिटिंग इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द क्रूशियली पीस ऑफ द इंडियन डेवलप स्ट्रेटजी क्रिएशन वन इकोनॉमिक इंडिया, देखो वन इकोनॉमिक इंडिया, फिल टू मेक इंडिया, मेक इंडिया बनाना था,
फ्लो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट लाना था, ये जीएसटी के वो थे, पर्पस थे। फ्रेम ऑफ जीएसटी, देखो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे, देखो पहले दो जीएसटी के फ्रेमवर्क होते हैं, दो जीएसटी के फ्रेमवर्क होते हैं, एक होता है सिंगल जीएसटी और एक होता है ड्यूअल जीएसटी। देखो अलग अलग, जैसे कि कनाडा, जो कनाडा है ना, कनाडा में कौन सा है, कनाडा में हमारा सिंगल जीएसटी है, मतलब वहाँ पर वन नेशन वन टैक्स वाला है। लेकिन हमारी इंडिया में कौन सा पास किया गया है, ड्यूअल जीएसटी, मतलब इसमें में सेंट्रल भी टैक्स लगाएगी और स्टेट भी टैक्स लगाएगी, ये सेंट्रल भी टैक्स लगाएगी और स्टेट भी टैक्स लगाएगी साइमल्टेनियसली गुड्स पे और सर्विस पे। जीएसटी एक्सटेंड टू होल इंडिया, और देखो जीएसटी पूरी इंडिया पर लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर पर भी लगता है। तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया में कौन सा जीएसटी है, ड्यूअल जीएसटी है, इंडिया में ड्यूअल जीएसटी है। सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी। अब मैं आपको सीजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी का मतलब समझाऊंगा कि ये कब कब क्या लगता है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये समराइज कर रहे हैं, फिर इसके हम इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ये जो इंट्रोडक्शन है ना। अब देखो आपको बताता हूँ सीजीएसटी, सीजीएसटी क्या होता है। देखो जब हम, जैसे कि हमारा एमपी है और हमारा एक ये राजस्थान है, जब हम मध्य प्रदेश से, जब हम एमपी से कोई गुड्स या सर्विस कहाँ पर भेजते हैं, राजस्थान भेजते हैं, तो इस सप्लाई को हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो माल भेजते हैं, क्या कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। और दूसरी, जब हम एमपी से, जैसे हमने भोपाल है और भोपाल से हमने इंदौर भेजा, तो ये क्या है, ये सेम स्टेट में है, तो हम क्या कहेंगे इसको, इंट्रा। जब हम सेम स्टेट में गुड्स की सप्लाई करते हैं तो हमारे ऊपर क्या लगता है, हमारे ऊपर लगता है सीजीएसटी और एचजीएसटी। लेकिन जब हम एक स्टेट से अनदर स्टेट में गुड्स सप्लाई करते हैं तो हमारे ऊपर क्या लगता है, आईजीएसटी। अब ये जो हमारा यूटीजीएसटी है, अब मैं जो यूजीएसटी क्या होता है, देखो यूजीजीएसटी जैसा होता है, जो हमारी 7 UT हैं, जो हमारी 7 यूनाइटेड टेरिटरी हैं, जैसे अंडमान निकोबार, तो इसमें से 2 को तो स्टेट मान लिया गया है, दिल्ली और पांडिचेरी को स्टेट मान लिया गया है, तो सिर्फ 5 जो है हमारी यूटी हैं, और जो हमारी 5 UT हैं उनका अलग एक टैग कौन सा है, यूटीजीएसटी है उनका, तो उनके ऊपर क्या लगता है, यूटीजीएसटी लगता है। आगे बात समझ में, अब देखो, और जीएसटी क्या है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहाँ पर गुड्स कंज्यूम किए गए, जैसे कि यहाँ पर राजस्थान को अगर गुड्स बेचा गया तो डेस्टिनेशन क्या है, राजस्थान है, इसलिए टैक्स किसको मिलेगा, राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। इंटर, टैक्सेबल गुड्स या सर्विस सब्जेक्ट टू इंटीग्रेटेड गुड, देखो अप्रोक्सीमेटली सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एचजीएसटी द लेवी सेंट्रल ऑल इंटर स्टेट सप्लाई। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, जी हाँ, सीजीएसटी एक्ट 2017 एक्ट, असेंबली यूनियन टेरिटरी है ना, जे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दादरा नगर हवेली दमन दीप और चंडीगढ़ लेविंग द यूटी, स्टेट यूटी है विद द ओन वन लेजिस्लेचर, पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी को क्या मान लिया गया है, स्टेट मान लिया गया है, जीएसटी ले जीएसटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में बता, अभी हम ये समरी कर रहे हैं, ये हम अभी समरी कर रहे हैं, फिर हम इसको पूरा डिटेल करेंगे। ये क्या है, ये जीएसटी का आपको मालूम चल जाएगा कि जीएसटी में क्या क्या है। अब देखो हम गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो ये हमें एक
जो कस्टम एक्ट में हमें हार्मोनाइज HSN कोड मिलता है, कोड यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हम ये गुड्स को क्लासीफाई करने में आता है GST के। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस हैज बीन डिवाइडेड द सर्विस ऑफ वेरियस डिस्क्रिप्शन हैज बीन क्लासिफाइड अंडर और ये हम कहाँ मिलेंगे कोड, कस्टम टेरिफ एक्ट 1975 रजिस्ट्रेशन। अब देखो रजिस्ट्रेशन को हम समझते हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेना है और किस व्यक्ति को नहीं लेना है। देखो एवरी सप्लायर जो गुड्स और सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, जो व्यक्ति सप्लायर गुड्स की और सर्विस की सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड स्टेट या UT में जहाँ पर वो मेक टैक्सेबल सप्लाई करता है। कौन सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई करता है, ये वर्ड्स याद रखना है, क्योंकि अगर वो नॉन टैक्सेबल जैसे कि जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और एल्कोहल लेकर हैं तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा उसको, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाता है 20 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल मतलब करेंट ईयर, ऐसा नहीं कि प्रीवियस, करेंट ईयर। द लिमिट ऑफ 20 लाख विल बी रिड्यूस इन द 10 लाख। हम जो 20 यदि पर्सन कैरिंग आउट द बिजनेस द स्पेशल कैटेगरी में आता है, स्पेशल कैटेगरी में आता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, अगर वो स्टेट कश्मीर सिर्फ 7 ही बची हैं, है ना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये जो है ना इन 5-4 के लिए यही बचा है। इनके लिए लिमिट क्या रहेगी, 10 लाख रुपए। कितने लाख रुपए, 10 लाख रुपए। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, इसको हम कैसे याद करेंगे, उमा शंकर टाइम पास कर रहा है, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार आगे समझ में, ये क्या करना है हमको, रजिस्ट्रेशन के टाइम हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर देखना है और एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी तुम समझ लो कि किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेना है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सेस कर जाता है 20 लाख रुपए, वो भी टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। उसी प्रकार 10 लाख रुपए किसके लिए, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट, हम सब ये डिटेल में पढ़ेंगे। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, देखो कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, देखो CGST इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, IGST इंटर स्टेट सप्लाई होती है। तो टैक्सेबल पर्सन रिगार्ड द प्रोविजन इज प्रिस्क्राइब इन लॉ, हालांकि द प्रोवाइडिंग रिलीफ स्मॉल बिजनेस, तो स्मॉल बिजनेसर होते हैं जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ रुपए होता है, है ना, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख रुपए होता है, तो वो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे।